नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल मनी ट्री में। और दोस्तों, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सही और सटीक सलाह दें। आज हम तीन काउंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि निवेशकों का बहुत बड़ा पैसा फंसा हुआ है। और क्या आपका पैसा रिकवर होगा या डूब जाएगा, क्या करना है, इन तीनों ही काउंटर्स के बारे में आपसे बताऊंगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काउंटर जो रहेगा वो रहेगा वक्रेंगी, क्योंकि वक्रेंगी में बहुत ही निवेशकों का बड़ा बड़ा पैसा फंसा हुआ है। इस काउंटर ने 500 प्लस के लेवल जो कि आप जनवरी मंथ में थे वहाँ से एक गिरना शुरू की, गिरावट शुरू की, और 11 महीने में ही काउंटर अपने लोएस्ट लो पे आ गया 22 रुपये पे। यहाँ से पिछले दो दिनों से, दो ट्रेडिंग सेशन से काउंटर अपर सर्किट हिट कर रहा है। बट क्या हमें इसमें जुड़े रहना चाहिए या फ्रेश पोजिशन बनाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, साथ ही बाकी दो काउंटर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं वक्रेंगी के बारे में बता देता हूं दोस्तों कि वक्रेंगी में किसी भी तरह की फ्रेश पोजीशन आपको नहीं बनानी है। जिन लोगों के पास लो वैल्यू पर यानी कि 22 या 23 रुपये पर खरीद है वो बने रहें, और जब भी अपर सर्किट ब्रेक हो यानी अपर सर्किट खुले उस वक्त आप प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाइएगा। दोस्तों, काउंटर में किसी भी तरह का फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुए, बल्कि फंडामेंटल वीकनेस आई है। ये जो तेजी आई है, जो अपमूव है, वो केवल एक पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से है, जिसमें कि वक्रेंगी के ऊपर और वक्रेंगी के एमडी के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल की गई थी जिसमें कहा गया था कि कंपनी प्राइस वॉल्यूम मैनिपुलेशन कर रही है। लेकिन जो डिपार्टमेंट था ईओडब्ल्यू का, उसने कंपनी को क्लीन चिट दे दी है और फिलहाल किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है प्राइस वॉल्यूम मैनिपुलेशन में। लेकिन क्या ये न्यूज़ इनफ है काउंटर को 26 रुपये से 500 रुपये तक ले जाने के लिए? नहीं दोस्तों, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल थी न्यूज़ है, एक बहुत, इसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये केवल ट्रेडर्स यूज़ करेंगे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, कुछ ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ को सेल आउट करेंगे, जहाँ पर अगर आप ख़रीदते हैं तो आप फंस जाएंगे, अपने पैसे को फंसा देंगे। सो वक्रेंगी में मैं किसी भी तरह से फ्रेश पोजिशन बनाने की सलाह नहीं दूंगा, और ना ही मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसमें एवरेजिंग डाउन करें। जिन लोगों का पैसा लोअर लेवल्स पर लगा हुआ है वो तेज़ी में निकलने की कोशिश करें, और जिन लोगों का हायर लेवल पर लगा हुआ है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक अच्छी तेज़ी, यहाँ पर अगर हमें कुछ और सर्किट्स मिलते हैं और आप वहाँ से कुछ पोजिशन को अपनी कट करना चाहते हैं, देन आप डेफिनेटली कीजिएगा और थोड़े से पैसे को अपने सेव कीजिएगा। वक्रेंगी में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो चार्ट्स, जो इनके क्वार्टरली नंबर्स हैं सितंबर के, जून के, बेहद ख़राब नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और अगर नंबर्स की बात करता हूँ तो जून क्वार्टर में कंपनी ने, जून टू जून क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी ने 996 करोड़ की टोटल सेल्स दिखाई है, जबकि लास्ट जून में 1250 करोड़ के आसपास की सेल्स दिखाई गई। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो इस जून क्वार्टर में, जून 18 में केवल 22 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि जून 17 में 256 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को। तो आप समझ सकते हैं 256 करोड़ के प्रॉफिट से गिर के केवल 22 करोड़ प्रॉफिट रह गया जून क्वार्टर के अंदर। वहीं सितंबर क्वार्टर में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 1505 करोड़ की टोटल रेवेन्यू था, वहीं इस बार जो रेवेन्यू आया वो घट के 283 करोड़ रह गया। यानी कि आप समझ सकते हैं, मतलब जो डिमांड है, जो सेल्स है, वो कितनी ज़्यादा गिर चुकी है कंपनी की, और वहीं पर जो प्रॉफिट्स हैं वो भी 285 करोड़ से घट के केवल 3 करोड़ रह गए। सो ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ही वीकनेस है कंपनी के अंदर, काउंटर के अंदर। मैं किसी भी तरह से फ्रेश पोजीशन बनाने की आपको सलाह नहीं दूंगा, काउंटर बहुत ख़राब है, फिलहाल कोई तेजी की मुझे नज़र भी नहीं आती। अगर हम हाफली नंबर्स की बात करते हैं तो जहां सितंबर 17 में जो हाफली नंबर्स आए थे कंपनी के, 2793 करोड़ की टोटल सेल्स थी, वहीं सितंबर 18 में केवल 1279 करोड़ की सेल्स थी। एंड सितंबर 17 में जहां 541 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को, वहीं सितंबर 18 में जो हाफ ईयरली में केवल 25 करोड़ 23 लाख का प्रॉफिट है। तो आप समझ सकते हैं कि इस काउंटर में क्या हमें रुकना चाहिए या फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए। मेरी सलाह है नहीं, यानी कि आपको पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, एवरेजिंग डाउन करने से भी बचना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको तेज़ी का मौका मिले देन आप इस काउंटर से निकल सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो टेक्निकल चार्ट्स के बारे में, तो टेक्निकल चार्ट्स में भी 22 रुपये का एग्जिट स्टॉप लॉस आप बना के रख सकते हैं इस काउंटर के अंदर। एंड फिलहाल मंथली चार्ट पे अगर 22 रुपये के नीचे काउंटर क्लोजिंग देता है या वीकली चार्ट पे, देन आप लोग डेफिनेटली एग्जिट कर जाइए। जिन लोगों ने लोअर लेवल पर ख़रीदा है वो
जैसे ही अपर सर्किट ओपन होता है आप अपने पोजीशन में प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आइए और जो भी प्रॉफिट आता है उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये काउंटर किसी भी तरह से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर नहीं है। इसके अलावा हम लोग कुछ और काउंटर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट काउंटर है दोस्तों हमारा भंसाली इंजीनियरिंग का, BEPL भंसाली इंजीनियरिंग। ये काउंटर 81.50 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसने भी अपना जो हाई टच किया था वो तकरीबन 200 प्लस का, यानी कि 191 का क्लोजिंग बेसिस पर, 193 का क्लोजिंग बेसिस पर टच किया था, और उसके बाद काउंटर ने एक बड़ी गिरावट दिखाई है, जिसका जो मेन कारण है वो है क्रूड का दाम और जो रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है पिछले दिनों में, पिछले क्वार्टर में, उसकी वजह से, यानी कि हाई क्रूड इंपोर्ट करना पड़ा इनको डेप्रिशिएटेड रुपी के साथ, और क्रूड इनका रॉ मटेरियल है बेसिकली, इनपुट मटेरियल जो है वो क्रूड ही है भंसाली इंजीनियरिंग का, एंड यही कारण है कि इनपुट कॉस्ट इनकी चूँकि इंक्रीज़ हो गए लास्ट क्वार्टर में, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन थे वो घट गए और उसका इम्पैक्ट हमें काउंटर में देखने को मिला। लेकिन चूंकि अब हमें देखने को मिल रहा है कि क्रूड के दाम कम हो रहे हैं और जो रुपी है वो भी रिकवर कर रहा है, सो फिलहाल मुझे लगता है कि इस काउंटर में 80 रुपये का मंथली एग्जिट स्टॉप लॉस आप बना के रख सकते हैं। अगर 80 रुपये के नीचे काउंटर क्लोजिंग देता है मंथली बेसिस पे, तो आपको इस काउंटर में 60 से 65 के लेवल देखने को मिलेंगे। वीकली चार्ट पे अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, मीडियम टू शॉर्ट टर्म की, तो वीकली चार्ट पे इस काउंटर में लगभग 72 रुपीज़ बहुत ही मजबूत सपोर्ट रहेगा। डेली और वीकली दोनों ही चार्ट पर 72 रुपीज़, यानी काउंटर 72 रुपीज़ तक भी आ सकता है डेली वीकली में, बट मंथ के एंड तक जाते जाते वो टी के ऊपर ही रहेगा। सो 72 रुपीज़ इसका एग्जिट स्टॉप लॉस रहेगा डेली चार्ट पर। अगर 72 डेली चार्ट पर आपको मिला, देन आपको डेफिनेटली ये काउंटर 60 रुपीज़ पर मिलेगा। तो आप समझिएगा, देखिए डिफरेंस है दोनों में। डेली चार्ट पर 72 आ सकता है, 72 अगर टूटता है डेली चार्ट पर, देन आप एग्जिट करेंगे लगभग 60 रुपीज़ के टारगेट के लिए, और अगर मंथली चार्ट पर 80 रुपीज़ के नीचे की क्लोजिंग आती है, देन आप 60-65 रुपीज़ के लिए एग्जिट करेंगे इस भंसाली इंजीनियरिंग के अंदर। इसमें आप फ्रेश पोजीशन फिलहाल मत बनाइए, एवरेजिंग डाउन अगर कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं, बट 72 रुपीज़ को एग्जिट स्टॉप लॉस बना के डेली चार्ट पे, और 80 रुपीज़ को एग्जिट स्टॉप लॉस बना के मंथली चार्ट पे। तो ये भंसाली इंजीनियरिंग के बारे में हमने बताया। फंडामेंटल्स वीक हुए हैं केवल और केवल क्रूड की और रुपी की वजह से। जैसे ही रुपी और क्रूड रिकवर कर जाएंगे, दोनों ही चीज़ें रिकवर करेंगी, इनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और काउंटर आपको दोबारा से तेजी का दौर दिखाएगा डेफिनेटली। सो ये भंसाली इंजीनियरिंग के बारे में बात की हमने। इसके अलावा रेन इंडस्ट्री एक और थर्ड काउंटर है जिसमें कि लोगों का बहुत पैसा फंसा हुआ दोस्तों। बहुत ही ऊपर लेवल पर रेन इंडस्ट्री में लोगों ने बाइंग की थी, बहुत सारे लोगों को मैंने प्राइस भी बताए थे, और तकरीबन मैंने लोगों को बताया था कि जो प्राइस है लगभग 239 के आसपास का मैंने लेवल एग्जिट स्टॉप लॉस बताया था काउंटर में, कि अगर 235 ब्रेक होता है देन काउंटर में बहुत वीकनेस आएगी, और फिलहाल अभी फिर काउंटर के अंदर मुझे लगता है कि 120 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं रेन इंडस्ट्री के अंदर, एंड इवन इन द वर्स्ट सिनेरियो 100 से 120 के बीच में कहीं पर भी काउंटर आके अपने बेस को, बॉटम को बना सकता है। सो ये रेन इंडस्ट्री के बारे में। फिलहाल फ्रेश पोजीशन बनाने से बचिएगा दोस्तों, आप जो सेक्टर है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद मुझे नहीं अभी नज़र आती। लेट्स सी, जब भी तेज़ी की उम्मीद लगेगी मैं डेफिनेटली आपको दोबारा से रिकमेंड करूँगा काउंटर के बारे में, बट फिलहाल रेन इंडस्ट्री में फ्रेश बाइंग मत कीजिएगा। अगर आपको एक अच्छी तेज़ी मिलती है, 170 से 175 तक काउंटर जाता है, देन आप वहाँ पर पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल सकते हैं, बट किसी भी तरह से फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बनानी है। स्टॉक आपको 100 से 120 के आसपास कहीं भी दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। तो ये मैंने तीन काउंटर्स के बारे में बात किया, वक्रैंगी, रेन इंडस्ट्री एंड भंसाली इंजीनियरिंग। वक्रैंगी में किसी भी तरह से फ्रेश पोजीशन आपको नहीं बनानी है, कीप डिस्टेंस। जो लोग नए निवेशक हैं वो अपर सर्किट को देख के उतावले ना हो जाएं, और जल्दीबाजी में अगर आप उतावलापन दिखाएंगे तो आप अपने पैसे को इस काउंटर में फंसा देंगे। रेन इंडस्ट्री मुझे लगता है अभी आपको वेट करना चाहिए, काउंटर में लगभग 115 रुपये के लेवल हम देखने को मिल सकते हैं। सो फिलहाल रेन इंडस्ट्री में भी फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी, और ना ही एवरेजिंग डाउन की सलाह एट प्रेजेंट रेट पे होगी। भंसाली इंजीनियरिंग में मैं समझता हूँ कि आप लोग छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं। काउंटर में बिजनेस अच्छा है, बट चूँकि जो इनपुट कॉस्ट इनकी क्रूड है, जो रुपी है, वो उस वही मेन कारण है इस काउंटर को गिरने के पीछे।
हालांकि काउंटर में टॉप लाइन इंक्रीज हुआ है, बट बॉटम लाइन में चूंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि स्टॉक काउंटर में अगले एक दो क्वार्टर के बाद वापस हमें तेजी देखने को मिल सकती है। काउंटर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बट फिलहाल फॉर द शॉर्ट टर्म वीकनेस रहेगी। डेली चार्ट पर बंताली इंजीनियरिंग हमें 72 से 74 तक के लेवल दिखा सकता है, अगर मार्केट में कुछ और गिरावट आती है, मार्केट 10,200 तक जाता है तो। सो दोस्तों, ये तीन काउंटर्स थे। अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ और काउंटर्स के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट आउट कर सकते हैं वीडियो में, कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।